अच्छा जब ऑपरेशन हुआ तो बेहोश किया था नहीं जी, नहीं जी कोई अच्छा कितनी देर बाद चलने लग पड़े थे आप ऑपरेशन के बाद घंटे बाद बारी लोगों की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो इलाज नहीं करवा पाते किसी कारण करके तो हमने जीरो परसेंट किश्तों पर भी इलाज उनके लिए शुरू किया हुआ है मैं ऑपरेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कोई दर्द नहीं मुझे हुई कोई कुछ नहीं हुआ और ऑपरेशन के तीन घंटे के बाद चलाना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे वाकर के साथ ऑपरेशन करवाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो हु, बहुत ज़्यादा दर्द रहा हो ना जी कोई दर्द नहीं रहा जो मैं पूरा भी नहीं पता लगा दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ दोनों को हुआ जी कहते सभी को सभी को जब ये तकलीफ हो सभी को इनके पास ही आना चाहिए अच्छा जो और टंके जो लगते हैं वो किस तरह के लगते हैं टंके लगे आप 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 खुल जाएंगे वो खुल वो दूसरे टंके हैं कैसे आप मरीजों की केयर करते हैं شنز ایک ہمارا مطلب ہے کہ ٹچ ہماری اتنا فیل ہوتا ہے ہمیں کہ ایز ا فیملی ممبر کی طرح جس لائک اور منو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بھی میرے پیش نہ ایا منو بار پوچھ دے رہے ہیں یہ پرشرمتا سی بھئی بابا ماں ماں میں ٹر ٹرا بالکل ٹھیک ہے منو کوئی تکلیف نہیں ہے हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि वो 25-30 साल हो गए उन्होंने कभी अपने फादर को चलते भी नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर तो जब वो तीसरे चौथे दिन अपने घर वापस जाते हैं अपने पैरों के ऊपर तो हमारे को लगता है कि हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो एक्चुअली पेशेंट्स को बहुत बेनिफिशियल है आज ये अकेला हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर जहाँ पर 20 से ज्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल है तकरीबन तो 50 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ एसोसिएटेड है इस वक्त हम खड़े हैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर थर्टी फोर ए चंडीगढ़ के बाहर और कुछ दिन पहले हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था जिसमें हीलिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि एफ टी थ्री डी नी रिसरफेसिंग जो है किस तरह से होती है और कितनी फायदेमंद है आज हम उन दावों की पड़ताल करने के लिए आए हैं डॉक्टर साहब से बात करेंगे मरीज़ों से बात करेंगे और इन हॉस्पिटल के एमडी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो दावे डॉक्टर साहब ने किए थे वो कितने सच हैं मरीज़ खुद बताएंगे हमें कि वो दावे जो डॉक्टर साहब करते हैं कि हाँ मरीज़ जो है इलाज के बाद ऑपरेशन के बाद तीन घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है वो कितने सच हैं ये पूरी पड़ताल आज हम करेंगे चलिए हमारे साथ सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे आज उनकी पड़ताल होने वाली है तो डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार जी कैसे हैं आप रौक्ट? बिल्कुल ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका हीलिंग हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है जब हम कोई चीज़ मरीजों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि मरीजों को ये समझ में आए कि वो एक्चुअली में हो रहा है ना कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं तो अच्छी बात है आप हमारे हॉस्पिटल में आए हैं आप हमारे पेशेंट से मिलिए मैंने जो आपको उस दिन समझाया था इंटरव्यू में सारी चीज़ें एफटी थ्री डी नी जो कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही कम जगह पे उपलब्ध है उसके जो फ़ायदे हैं वो डायरेक्टली पेशेंट्स को मिलते हैं यानी कि पेशेंट्स को उनका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है जैसे पेशेंट्स को आई में रखने की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट के घुटनों के ऑपरेशन के बाद लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कमर में सिर्फ़ एक इंजेक्शन लगता है ना कि 24 या 48 घंटे के लिए एपिडोर इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ये सब चीज़ें एक्चुअली में पेशेंट्स एक्सपीरियंस करने के बाद ही सही तरीके से बता पाते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये सब चीजें करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब किसी तरह का आपको डर तो नहीं लग रहा है कि उस दिन आपने बात कही और आज हम पड़ताल करने के लिए आ गए नहीं नहीं डरने की कोई बात ही नहीं है डर उनको लगता है जिन्होंने कोई झूठ बोला होता है जो जिन जिन्होंने सच बोला होता है उनको अच्छा लगता है कि अच्छी बात है कि आप आए हैं मैं तो और भी बाकी भी लोगों को कहूँगा कि मैंने पिछली बार भी बोला था अगर आपको किसी भी डाउट है आप मिले हमसे आके हमारे पेशेंट से मिले इतना हमारे में कॉन्फिडेंस है इतना हम दावे से बोल सकते हैं तो वो दावा वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारे पास रियलिटी में टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे पास रियलिटी में पेटेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं तो डरने की कोई बात नहीं आप बाकी पेशेंट्स पेशेंट से मिलिए आप वो ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे जी बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने दावा किया है अब हम मरीजों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है तो अब हम पहुंच गए हैं पेशेंट के रूम के बाहर अंदर जाएंगे पेशेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर साहब जो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है लेकिन अंदर जाने से पहले एक बात हीलिंग हॉस्पिटल की जो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे हम यहां पे आए यहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं लेकिन यहां पे हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आ रही क्यों क्योंकि यहाँ जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं जो एक टिपिकल जो एक दुर्गंध होती है और वो जो वहाँ का माहौल होता है यहाँ जब आप आते हैं तो आपको इस तरह का माहौल जब वो देखने को नहीं मिलता है ऐसा लगता है कि आप किसी होटल में जा रहे हैं और जहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत ही शानदार है तो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर की व्यवस्था कैसी है और अंदर जो मरीज हैं उनका हालचाल कैसा है उनका अनुभव कैसा है एफ टी थ्री डी नीर या के बारे में चलिए चलते हैं और बात करते हैं ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੇਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਸੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਚਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਿਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੋਟਾ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਜ ਜਪਰੀ ਲਾੜ ਥੋੜੇ ਲੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬੁਝਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਗਾ ਮੈਂ ਟੰਡ ਟਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਪਰਚਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 4 ਦੇ 14 ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਐਡਮਟ ਹੋਇਆ 15 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਹਤ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ 15 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਟਨਾਂਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਕੋ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪਿਟਾਲਾ ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੈਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਣਾ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਹੋਇਆ ਜੀ अच्छा किसी तरह का कोई ब्लड लॉस करने के बाद बाद घंटे चला दिया बजे अच्छा बजे मेरा साथ हाँ जी चलाया आज आज तो बहुत फिर मुझे फेरा अच्छा जब ऑपरेशन हुआ तो बेहोश किया था नहीं जी कोई बेहोश नहीं बुरी कपड़ा ला दे मुझे भी देखा ना मुझे पूछते रहे मैं हसता रहा मैं की करते करियो कर, भाई अच्छा, जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ना आईसीयू में भी रखा जाता तो ऐसा भी हुआ ना ना कि वो ये तो मुझे रखे नहीं कि मुझे में ले अच्छा। तो ये जब आपका ऑपरेशन हुआ तो खून ज्यादा तो नहीं बात ना नहीं कोई खून गया खून की पहला था अच्छा जो और टंके जो लगते हैं वो किस तरह के लगे टंके लगे अपने आप, आप एटोबर खुल जाएंगे वो खुल कर पड़ेंगे वो दूसरे के हैं अपने आप ही वो जब जख्मे खुल जाएंगे और जो चीरा है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा हाँ वो तो थोड़ी सी इतने कह रहे हैं उन जो हमने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने स्पेट कर दिया भाई हम वही हिस्सा पाएंगे जो खराब है बाकी रख लेंगे वही पाए उनको वही पाया उन्होंने बाबा जी आपको डर नहीं लगा कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ करवा रहे हैं ना कोई डर लगा मैंने मैं तो खुश मैं तो हंसता रहे हैं बहुत ज़्यादा की, कोई कोई तकलीफ नहीं थी बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा अच्छा सत श्री अकाल जी वैगुरु खालसा वैगुरु जी फतेह तो अभी हमने रूम नंबर 311 में पेशेंट से बात की और अब हम जा रहे हैं रूम नंबर 312 में यहां चलते हैं और जानते हैं कि यहां जो पेशेंट हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है चलिए नमस्कार नमस्कार जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं जी हम आपसे ये जानने आए हैं कि आपका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कहाँ से आए हैं और हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता लगा मैं मेरा नाम विपिन चंद्रपुरी है और मैं सेक्टर ट्वेंटी ए चंडीगढ़ से हूँ तो पीछे मैं अक्टूबर में बीमार हुआ था तो मैं यहाँ एडमिट हुआ था तो बहुत अच्छी है इन्होंने मैंने केयर की मुझे तो तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये हॉस्पिटल अच्छा है तो चौदह तरीक को मेरा मॉर्निंग में ऑपरेशन किया इन्होंने मैं ऑपरेशन से बहुत सेटिसफाइड हूँ कोई दर्द नहीं मुझे हुई कोई कुछ नहीं हुआ और ऑपरेशन के तीन घंटे के बाद चलाना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे वाकर के साथ तो मैं तो डरता था कि मैं इन्हें डॉक्टर साहब कहते नहीं अब घबराओ मत आप अगले दिन आपको स्टिक से चलाएंगे नेक्स्ट डे सीढ़ियाँ चढ़ाएँगे तो मैं कल वाकर से चला और आपने बाथरूम में अपने आप जाता हूँ स्टिक से और मैं टॉयलेट भी अपने आप गया तो जो फिजियोथेरेपी थेपर राउंड लगाते हैं मुझे मैं तो इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं तो सभी को बोलता हूँ कि यहीं से करवाएं किसी डॉक्टर गिल्स से मुझे इतना अच्छा लगा कि और डॉक्टर साहब ने इतना पर्सनली अटेंड किया दिन में तीन तीन चार चार चक्कर लगाते हैं मेरे पास आके कोई प्रॉब्लम है कोई पेन है कोई कुछ है कुछ भी मुझे पेन नहीं हुई उन्होंने यहाँ पर एक स्टिक्कर लगाया है ये पेन को किल करता है आपको पेन फील ही नहीं होने देता कहते कम से कम आठ दिन के लिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया मैं तो सभी को बोलूँगा कि यहीं आएँ तो ये नई टेक्नोलॉजी है री सर्वसिंग बोलते हैं इसको तो गोड्डा एफ्टी थ्री डी नी री हाँ जी री सर्सिंग की उन्होंने कहते तो हैं गोड्डा मेरा ओरिजिनल अंदर ही है सब कुछ अंदर ही है तो ये उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तो लाइफ लॉन्ग है डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इतना खुश हूँ और जो अटेंडेंट जितने भी हॉस्पिटल गए हैं इतना अच्छा बिहेव बिहेवियर अच्छा था और उनकी ट्रीटमेंट भी अच्छी थी अच्छा कितनी उम्र में करवाया आपने ये ऑपरेशन आप नहींयर का सेवनटी फोर हाँ जी मुझे पाँच छः साल से डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका करवाना पड़ेगा लेकिन मैं डरता बहुत था तो अब तो मेरा इतना डर निकल गया कि मैं लोगों मेरी जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि यहीं से करवाओ डॉक्टर गिल से ही करवाओ मुझे फोर्थ डे डिस्चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट डे चला दिया सेकेंड डे वाकर पे थर्ड डे इन्होंने सिक पे ले आए मुझे नहीं आपको आई में रखा ना आई सी में रखा मुझे रिकवरी रूम में रखा उन्होंने आधा घंटा वो सर्वे कर रहे थे कि अंदर एसी ज़्यादा था तो कहते हैं एकदम पेशेंट को बाहर लेके आए ना शिवरिंग सी लग, फील होती है तो घर वाले भी घुस आ जाते हैं ऐसे की तो लेकिन मुझे कोई शिवरिंग भी नहीं हुई मैं ठीक रिकवरी रूम में बिल्कुल ठीक रख रहा फिर आधे घंटे बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया उन्होंने बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात कर थैंक यू थैंक यू सर जी थैंक यू इनके परिवार के सदस्य हैं चलिए उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका हीलिंग हॉस्पिटल को लेकर जो है वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हाँ जी नमस्कार कैसे हैं आप ठीक है आप बताइए जी किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल को और आपके क्या लगते हैं ये मेरे ब्रदर इन है जीजा जी है जीजा जी, जी है के मिसेज है अच्छा नमस्कार तो किस तरह का एक्सपीरियंस है बहुत तो बढ़िया हम तो इतने खुश हैं मैं तो सोच नहीं सकती थी कि ये तीन दिन में ऐसा ठीक हो जाएंगे पहले तो इतना डर लगता था ना किसी मतलब आप फिर डॉक्टर साहब ने इतनी तसल्ली दी और इतना उन्होंने कहा कि जैसे फादर के तरह से है मेरे मतलब कि तो मेरे पर छोड़ दो आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी मैं तो इतनी खुश बता नहीं सकती तो मैं तो कहते सभी तो को ये सभी को जब ये तकलीफ हो सभी को इनके पास ही आना चाहिए पहले से ही दिखाना चाहिए और इतने सेटिस्फाइड है हम तो तो अब जो मरीज़ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है ये एफ टी थ्री डी नी रे वो बहुत ही अच्छा है और आपने साफ सुना कि किस तरह से मरीजों ने अपनी बात कही अभी भी हमें तसल्ली जो है वो हमें हो गई है लेकिन हमने आपकी तसल्ली करवानी है तो हम एक और मरीज़ हैं उनसे बात करेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस है उनसे जानेंगे चलिए तो ये रूम नंबर तीन सौ तेरह और मरीज़ हैं

आई सी में तो नहीं रखा ऑपरेशन करवाने के बाद क्योंकि ज्यादातर इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो हॉस्पिटल वाले जो हैं, हैं वो ले जाते हैं आईसीयू में क्योंकि नॉर्मल जो पुराने ऑपरेशन होते थे उनमें तो ऐसा ही होता था नहीं जी कोई रखा नहीं का डायरेक्ट आपको रूम में लिया रूम में लिया और कल हुआ आपका ऑपरेशन हाँ आप आए कहाँ से हैं कहाँ रहने वाले कहाँ के जनरल वाला के रहने वाले हैं और आपका शुभ नाम बलदेव सिंह जी अच्छा जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ का जो आपकी देख रेख कर रहे हैं डॉक्टर साहब हैं उनका किस तरह का बिहेव और आपको कैसा लगा बहुत बो, लगा जी मरीजों ने नर्सिंग स्टाफ की बहुत तारीफ की हमने सोचा कि चलिए हम भी नर्सिंग स्टाफ से बात कर लेते हैं जानते हैं कि किस तरह से वो मरीजों की देख करते हैं कि मरीज उनकी बड़ी तारीफ करते हैं नमस्कार जी नमस्कार सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए मेरा नाम रुपिंदर कौर है आप नर्सिंग स्टाफ में इवनिंग सुपरवाइजर मरीज़ आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा केयर करता है कैसे आप मरीज़ों की केयर करते हैं सर हम ट्वेंटी फ़ोर इंटू सेवन उनकी सेवा में रहते हैं और जो भी उनकी नीड होती है हम टाइम टू टाइम उनकी फिल करते हैं जो भी नीड होती है तो कोई भी उनकी क्वेरी होती है हम वो उसका जवाब सही से देते हैं और उनके जो भी क्वेरीज होती हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं उनके कहाँ से ये मोटिवेशन आता है कि हम मरीजों को जो है वो किसी तरह की कोई तंगी ना हो किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और अगर मरीज किसी तकलीफ में है तो झट से उनके पास पहुँचा जाए सर हॉस्पिटल में जैसे आपको भी पता है कि क्यों आते हैं मरीज को, किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वही आते हैं अगर हम उनको अच्छे से डील करेंगे तो वो उन वो अपना दुख भूल के फिर उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक हम ही होते हैं नर्सिंग स्टाफ ही तो सर अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उनको अच्छा फ़ील होएगा और यही मान के आप मरीजों के पास जाते हैं और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं जी सर, नर्सिंग हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम भी दूसरों की सेवा करें तो सर इसी से हमें मोटिवेशन आती है कि हम मरीजों की सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं मेरा नाम गुरप्रीत कौर है मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ आप कब से हैं इस हॉस्पिटल में सर मेनु वन ईयर हो गया यहाँ पे काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस है किस तरह से मरीजों से बात करते हैं किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं हाँ जी सर हमारी कोशिश रहती है कि हर एक मरीज को सेटिस्फेक्शन मिले हम मरीजों से बहुत अच्छे से बात करते हैं हर एक मरीज को जो उनकी केयर चाहिए एज पर एज मतलब देते हैं अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो है वो बहुत तकलीफ में है तो उसको ये लगता है कि सामने वाला जो है वो जल्दी से जल्दी मेरी तकलीफ को दूर करें तो ऐसी में कहने का मतलब ये है सवाल ये कि उस सिचुएशन को अब किस तरह से हैंडल करते हैं कि मरीज जो है वो ज़्यादा उताबला भी ना हो और उसकी तकलीफ जो है वो भी कम की जाए हाँ जी सर एक्चुअली सर हमारे पास जो पेशेंट है मोस्टली टीके आर के पेशेंट रहते हैं क्योंकि पेशेंट पोस्ट ऑपरेशन होते हैं जो सबसे पहले क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है हम पेशेंट को इंजेक्टेबल तो जो मेडिकेशन चलती है वो तो साइड बाई साइड चलती ही है और हम पेशेंट को ना इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं ताकि

मतलब मान लीजिए आप सांगली महाराष्ट्र हरियाणा हमने ऑलमोस्ट पंजाब सारा कवर कर लिया है तो पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि मैम क्या नीड सर्फिसिंग हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है तो हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे ना बहुत ही ज़्यादा इंक्वायर कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ फेथ भी बन रहा है जिस तरह से हम काउंसिल करते हैं पेशेंट को एक ट्रस्ट फेथ बन जाता है तो बहुत ही हमारे पास उन्होंने ट्रस्ट के थ्रू पेशेंट्स हम उनको काउंसलिंग करके बुला के डॉक्टर गिल से मिलवा देते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग के जो क्वेश्चन हम नहीं एग्जैक्टली exactly हम एक्सपेक्टेशन हमारे से कर रहे थे वो हम नहीं क्लियर कर पाए तो डॉक्टर गिल से उनकी सारी काउंसलिंग के रिगार्डिंग उनका सारा माइंड में भी पूरा मेकअप हो जाता है किस तरह के सवाल कोई आपके पास क्वेरी आती है कोई पूछता है पेशेंट पूछता है या उनके कोई परिवार वाले पूछते हैं किस तरह के सवाल ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं और लोगों के मन में पेशेंट्स के मन में किस तरह का ये होता है कि हाँ ये ठीक हो पाएगा ये नहीं पाएगा क्या होता है असल में हर पेशेंट की अपनी अपनी कंडीशन होती है कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हमारे पेशेंट डायबिटिक हैं हाइपरटेंशन है कि क्या उनके लिए सक्सेसफुल है तो हम बोलते हैं कि यस सर एग्जैक्टली ये सक्सेसफुल ही है हमारे पेशेंट ऑलरेडी हमने कितने से पेशेंट थे हमारे डायबिटिक थे हाइपर टेंशन है और कुछ पेशेंट तो हमारे बेड रिडन भी थे जिनको हमने आज टच वोडा है हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से चल फिर रहे हैं हमें बहुत खुशी होती है ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग क्या हमें खुद एक पेशेंट से एक हमारा मतलब कि टच हमारी इतना फ़ील होता है हमें कि एज अ फैमिली मेम्बर की तरह जस्ट लाइक हम काउंसलर्स नहीं है हम जस्ट पेशेंट डॉक्टर गिल के हम बहुत पिलर्स हैं जो हमने पेशेंट को पूरा कवर करना होता है आप बताएं हाई uh, का कैसा एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक मुझे ज़्यादा डॉक्टर गिल के साथ एक साल होने वाला है ठीक है और इस टाइम पे मैं काफ़ी पेशेंट काउंसलिंग कर चुकी हूँ और मोस्टली पेशेंट शुरू में थोड़े घबराए होते हैं क्योंकि उनको नी रिप्लेसमेंट का एक डर होता है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी वैसी तो नहीं है नी रिसर्फिसिंग कहीं सेम ही तो उनका तो मेन क्वेश्चन होता है कि ये कितनी डिफरेंट है उससे क्या है इसमें ऐसा तो उस चीज को पूरा डिस्क्राइब करना पेशेंट के साथ एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक रहना ये सारा मेन रोल हम प्ले करते हैं अच्छा एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ ये कि आप किस तरह से पेशेंट को कन्विंस करते हैं ये समझाते हैं कि ये आपके लिए सही है सही। क्योंकि पेशेंट आप फोन पे ही बात कर रहे हैं तो कैसे मना लेते हैं आप मनाने की बात नहीं है एक्जैक्टली exactly. ओबियसली उनके मन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन येस yes, कुछ पेशेंट्स ऐसे घबराए हुए होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैम अच्छा मेरी तो कंडीशन ये है कि मैं किसी से कंपेयर कर सकता हूँ खुद को तो हम ये yes, बोलते हैं कि सर हम ना आप जैसे दिल्ली से हैं चंडीगढ़ से हैं या आप हरियाणा से हैं तो हम सब जो हमारे ऑलरेडी ट्रीटेड पेशेंट हैं हम उनके नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं आप अपना प्रॉपरली उनसे जो फीडबैक ओबियसली सर आपको कुछ भी मन में डाउट होंगे तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं तो वो पेशेंट ख़ुद एक दूसरे से आपस में कन्वर्जेशन कर लेते हैं जो उनके डाउट से वो पेशेंट से हमारे ट्रीटेड पेशेंट्स ने क्लियर कर दिए तो वो उससे पेशेंट की कन्वेंसिंग काफ़ी बहुत मतलब कि हंड्रेड हो जाती है तो इतना जो हमने एफर्ड करा है वो हमारे पेशेंट्स ने जो ट्रीटेड पेशेंट है वो पूरा कर देते हैं

इस हॉस्पिटल के एम उनसे बात करते हैं जानते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और हॉस्पिटल को लेकर उनका क्या विज़न है सर नमस्कार नमस्कार जी सो so बेसिकली हमारा हॉस्पिटल सेक्टर थर्टी फोर हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ हम एक एन ए बी एच एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है एंड हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल हैं तो इस हॉस्पिटल के अंदर हम तकरीबन ट्वेंटी प्लस स्पेशलिटीज़ में अपनी सर्विसेज जानसी एक्सटेंड कर रहे हैं और हमारे पास दूर दूर से चंडीगढ़ के लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं हमारा डे वन से विजन यही रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर सारी मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं तो अक्सर लोगों को यहां पर यह दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वो जॉन से भी हॉस्पिटल जाते हैं दो सर्विसेज मिल जाती हैं लेकिन बाकी सर्विसेज के लिए उनको इधर उधर जाना पड़ता था तो हमने उस दिन से ही ये सोचा हुआ था कि जब हम ये हॉस्पिटल शुरू करेंगे फाइव ईयर सिक्स ईयर डाउन द लेन तकरीबन हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ़ आ जाएं और हमारे लिए ये एक बहुत खुशी वाली बात है जो हम अपने रेजिडेंट्स के साथ सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आज ये अकेला हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर जहाँ पर बीस से ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ़ अवेलेबल है तकरीबन पचास से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ एसोसिएटेड है और सारे तकरीबन अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं जिस करके हम तकरीबन तकरीबन आज साठ हज़ार सत्तर हज़ार लोगों से भी ज़्यादा को ट्रीटमेंट एक साल के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत एक प्राउड वाली बात है और हमारी कोशिश है कि आगे जाते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ लेकर कर आएँ और उसकी क्वालिटी को हमेशा एक कोर फोकस रखें ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए खुश होकर जाए और जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं टेक्निक्स हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट के अंदर आ रही हैं या इन्वेंट की जा रही हैं हम अपने हॉस्पिटल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और लोगों को एक फ़क्र हो कि चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल आ गया जहाँ पर वो सारी सर्विसेज सुविधा अपने यहाँ पर आकर ले सकते हैं और हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी लोग हैं उनको एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो तो तकरीबन हमारे पास कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि उनके लिए खर्चा एक इनहिबिशन है तो हम उनको एक ज़ीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट पर भी किश्तों पर भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी एक क्वालिटी ट्रीटमेंट से दूर ना रहें और साथ हमारे साथ चल अपनी जर्नी का सफ़र तय करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए और हम ये कामना करते हैं कि आपका हीलिंग हॉस्पिटल जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आप ऐसे ही मरीजों को ठीक करते रहें अच्छा इलाज उनको देते रहें। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें